हेलो गाइस, माय नेम इज पुष्पन दागन, वेलकम टू फ्लाया एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स, जिसमें मैं आपको एक से लेके 30 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आपको 30 तक डिविजिबिलिटी रूल आ गए हैं तो आप आराम से कोई भी कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। चूंकि पहला नंबर है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन, तो वन का तो कोई रूल नहीं है, वन से सभी डिविजिबल होते हैं, तो उसका कोई नियम भी जरूरत नहीं है। तो मैं सीधी सी बात करता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। तो यहाँ पर हम टू की बात करते हैं, तो टू से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, तो अब देखिएगा रूल क्या है। नियम है कि द लास्ट डिजिट इज इवन। अगर कोई भी नंबर की डिजिट लास्ट में अगर इवन है, मतलब कि ये है, जैसे उसका आखिरी में या तो 0, 2, 4, 6 या 8 लगा, किसी भी डिजिट का यूनिट नंबर अगर इवन है तो वो आपका टू से डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर लिखा है 4826, तो आपको बताना है कि टू से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपने देखा कि जो लास्ट का नंबर रहेगा वो क्या है, आपका 6 है, 6 इवन नंबर होता है, हाँ ये 2 से डिविजिबल है। जैसे ये 8431 लिखा है, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 आपका ऑड नंबर होता है और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते। ठीक है गाइस, तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब आते हैं हम, ठीक है, 3 पे, डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर किसी भी नंबर को हमें 3 से डिवाइड करना है तो उसका नियम है कि सम द डिजिट्स, अगर वो डिजिट लगी है उसका सम करेंगे, और द रिजल्ट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, और वो जो रिजल्ट है वो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 4683, अगर 4683 मुझे पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करना है आपको, जितने 4 + 6 + 8 + 3 कर दीजिए आप, तो आप देखेंगे इसमें 4 + 6 कितना, 10, 18, 21, सम कितना आ रहा है 21, 3 से डिविजिबल है, 3 7 21। इसका मतलब ये कि ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है। चलिए डिवाइड कर करके भी देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई में है कि नहीं है। तो 3 1 3 बच्चा 1, तो आपको हो जाएगा 16, 3 5 15 बच्चा 1 हो जाएगा 18, तो 3 6 18, 3 1 3, तो ये हमारा 1561 क्वेश्चन आ गया। तो गाइस समझ गए आप ये नियम कि डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या होता है। अब हम आते हैं 4 पे, डिविजिबिलिटी बाय 4। क्या कह रहा है, द लास्ट टू डिजिट फ्रॉम अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, मतलब अगर कोई भी नंबर की लास्ट की दो डिजिट, लास्ट की टू डिजिट जो हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी पूरा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे ये लिखा है 4 6 8 6 4, अगर ये नंबर को मुझे पता करना है क्या ना ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मुझे सिर्फ लास्ट की दो डिजिट, लास्ट की दो डिजिट क्या लिखा है 64, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं 4 1 4 बच्चा 2 26, तो 4 6, हाँ गाइज ये आपका जो लास्ट की टू डिजिट है 4 से डिविजिबल है, मीन्स ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। चलिएगा डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 6 8 4 डिवाइड बाय 4, तो 4 से देंगे 4 1 4 बच्चा 2, 4 6 28, 8 तो 4 2 8, 4 1 4 4 6, तो गाइज आपने देखा कि नंबर 4 से डिविजिबल है। गाइज अगर आप, एक चीज़ मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें प्लीज़। और अगर और भी अच्छा, और कोई कमी लगती है, कुछ भी है, आप अप्रिशिएट करें तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी बिल्कुल मस्ट है। और हमारा एक और सेकेंड चैनल है जिसका नाम है नमस्ते बच्चों, नमस्ते बच्चों। अगर आपको बच्चे, आपको छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, आप उनको भी पढ़ाना चाहते हैं, जिनको ABCD जो भी, छोटे बच्चों के हिसाब से, प्ले स्कूल के हिसाब से, हमारा नमस्ते बच्चों चैनल है, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से डिविजिबल पता करना है किसी भी नंबर को, तो बहुत सिंपल है गाइज, ये तो बहुत सरल भी होता है कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 और 5 है, क्या है 0 और 5, तो वो 5 से डिविजिबल है। जैसे लिखा है 4864, क्या ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि ना तो इस नंबर के आखिरी में 5 है, ना ही इसके नंबर आखिरी में 0 है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। आप चाहे तो डिवाइड कर भी देख लें, तो 5 से करेंगे तो 5 5 9 45 बचा 3, तो 5 5 7 35 बचा 1, तो 5 2 10, तो 4 बच रहा है गाइस, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। जैसे ये 460 लिखा है, इसको डिविजिबल करके देखते हैं, तो 4 9 45 बचा 1, 5 5 2 10, क्लियर है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो डिविजिबिलिटी बाय 5, वेरी सिंपल रूल। नाउ कम ऑन द डिविजिबिलिटी बाय 6 नंबर। तो यहाँ पर एक नियम है कि अगर आपका कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। देखो गाइस
बहुत सारी मेथड है, बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारे नियम है, लेकिन मैं आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो जनरली कॉमन है और जो आप जनरली याद रख सकते हैं और जो जरूरी होता है और जो हर चीज में अप्लाई होगा। होने को तो बहुत सारे, लेकिन मैं स्पेशल रूल आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं बैठता है। तो गाइज अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब है 6 के जो फैक्टर हम करते हैं तो 2, 3 जा 6 और 3 बन, मतलब अगर किसी नंबर के फैक्टर से वो टोटल फैक्टर से डिविजिबल होता है प्राइम फैक्टर से, तो इसका मतलब वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। ये एक प्रकार से रूल है। तो गाइज अगर आपको पता है 2 से डिविजिबल कब होगा, जब वो कोई इवन नंबर होगा लास्ट में, है ना, और 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उस डिजिट का सम जो होगा वो भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें तो आपको याद रखने में आसान हो, क्योंकि 2 और 3 का आपको पता है तो 6 भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। गाइज ये आपका एक 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 प्राइम नंबर है तो इसका डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा आपको याद रखना चाहिए, जनरली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि एडिंग द 5 टाइम्स द लार्ज डिजिट ऑफ द रेस्ट ऑफ नंबर गिव द मल्टीपल ऑफ 7। मीन्स ये अगर किसी भी नंबर को आपको डिविजिबल करना है तो आपको क्या करना है, जैसे 4, 6, 8, 7 है, अगर हमें पता करना है कि ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के नंबर से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 7 साथ 35, तो जो भी आपका आएगा उसको आप क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 8, 7, 13 कैरी आया 1, 0 कैरी आया 1, 5, 5, 0, 3। अब आप चाहें तो इसको फिर से इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15, तो कितना हो रहा है ये 45। क्या ये 45 7 से डिविजिबल है? जी नहीं है। तो 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। तो सिंपल रूल है कि आखिरी की डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करो, जो भी सम आता है वहाँ के रेस्ट ऑफ द नंबर है उसमें ऐड कर दो। अगर जो सम आया है अगर वो आपका 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। जो छोटे छोटे नंबर उनको तो आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन जो बड़े बड़े नंबर होते हैं इस नंबर का पता करना है तो कैसे करें, इससे बेहतर है कि आप टेस्ट, आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो गाइज आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, अगर लास्ट की जो किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, अगर वो लास्ट की 3 डिजिट का 8 से भाग जा रहा है तो पूरे नंबर में जाएगा। जैसे कि 8, 6, 4, 6, 8, ये इतना बड़ा नंबर है, इसको हम पता करना है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट की 3 डिजिट उठा लो 448, ये अगर ये 8 से डिविजिबल होंगे सब होगा। 8 से करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 8, 5 जा 40, कितना बचा आपका 448, तो 8, 6 तो गाइज अगर ये 448 आ रहा है तो मतलब इसका मतलब ये होल नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, वो भी चेक कर लेते हैं। 8, 1 जा 8, ये आपका 0, 8, 8 जा 64, फिर आपका 0, 8, 8 जा 64, फिर आपका 40, 0, फिर आपका 46। गाइज ऑब्वियस सी बात है आपका ये डिवाइड हो गया, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। तो भैया 9 की डिविजिबिलिटी की अगर आप जो भी नंबर दिया उसका सम करेंगे और वो रिजल्ट 9 से डिविजिबल है तो वो टोटल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 3 में रूल था कि उस पूरे डिजिट का सम करेंगे और वो 3 से डिविजिबल है तो आपका वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 9 का है तो 9 का, जैसे ये नंबर है 4, 6, 8, 9, 4, अगर इस नंबर का पता करना है मुझे कि ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है कि नहीं, इसका करेंगे 4 + 6 + 8 + 9 + 4 कर देंगे, तो 4, 6 कितना होगा 10 और ये 8, 18 और आपका कितना हो जाएगा 9, 27 और 31। क्या 31 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो गाइस 10 का तो एक बिल्कुल सिंपल सा है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि 8, 4, 6, ये 10 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो गाइज ये तो आप आसानी समझ में आ गए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम आते हैं 11 पे, डिविजिबिलिटी बाय 11। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे बोला है कि अगर किसी भी नंबर का पता करना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिंग सम ऑफ डिजिट द रिजल्ट मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब क्या है, जरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 8, 4, 6, 8, 9 लिखा है और चलो 7 भी लिख देता हूँ, ये नंबर को पता करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करना है, पहले वाले को प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस, चौथा वाला माइनस, मतलब घुमा फिरा के ये, ठीक है, इस पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जो प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, ये प्लस और ये प्लस है, तो 8 और 6 14, 14 और 21 ये हो जाएगा 29, माइनस कितना है ये 4 और 9, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका ये 13। तो अब आप माइनस करेंगे कितना जगह 6 और ये बचा 1, तो आपका आंसर आ रहा है 16। क्या 16 11 से डिविजिबल है?
बिल्कुल नहीं है, अगर 11 से 16 डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसके एक बार प्लस माइनस करके उसको सॉल्व करते हैं, और जो आता है रिजल्ट आता है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा अगर वो भी 11 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है आपका 11 से, इसका मतलब वो नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है गाइस, अब आते हैं आपके नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। तो बेसिकली थंब रूल, अगर कोई भी नंबर, अगर जो नंबर है अगर वो 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है, अगर वो 3 से डिविजिबल है और वो 4 से डिविजिबल है, तो दोनों के रूल से अगर जा रहा है तो इसका मतलब वो नंबर आपका 12 से डिविजिबल है। तो वहाँ पर आके आप ये चीज़ खुद कर सकते हैं, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 और 4 बता चुका हूँ। डिविजिबिलिटी अब आए 13 से किसी भी नंबर को पता करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, क्या बोला है, एड 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द नंबर। मतलब कि ये जैसे अगर 84621 इस नंबर का पता करना, तो इसने क्या बोला है कि उसमें 4 टाइम्स लास्ट के नंबर में 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट ऑफ दी में जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो कितना 4 1 4, तो अगर ये रिजल्ट आएगा वो 13 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल है, तो कितना हो जाएगा 6 6 4 8। अब चूंकि गाइस ये भी लंबा है तो इसको फिर से हम 4 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 24, तो ये हो जाएगा 0 7 8। अभी भी कम कर सकते हैं, लास्ट में वही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 करेंगे तो रहा 89 का, 89 आपका 13 से डिविजिबल है, फिर भी इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 36 और 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 44। ऑब्वियसली बात है जो 44 है वो आपका 13 में डिविजिबल नहीं है। आप चाहते तो गाइज यहाँ भी चेक देख सकते थे, यहाँ भी देख सकते थे, यहाँ देख, और एंड तक भी पहुँचा दिया मैंने। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेप इतनी फॉलो करो आप जितने जल्दी सॉल्व करो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा आपका यहाँ पर 89 आ गया था, आप यहीं रुक जाते कि आपको पता है 89 13 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नंबर भी आपका 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है गाइज, अब हम आते हैं आपका 14 पे। तो 14 का भी थंब रूल है कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है और 7 से है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता ही दिया है 7 और 2 का, तो अगर आपको 7 और 2 का पता है तो आप 14 का आसानी से चेक कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए आप देख लेना, आगे बढ़ते हैं। 15 भी थंब रूल है कि आपका अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल और 5, देखो मैंने इसलिए ऐसा कराई है क्योंकि इससे ये होगा एटलीस्ट कि आप कम से कम 3 और 5 का याद तो करोगे। आपको 9 मतलब आपको 2 से लेके 9 तक बार बार जरूरत पड़ेगी बड़े नंबर में, तो इससे बेहतर है कि आपको 2 से 9 का भी रिविजन हो जाएगा और आपके बड़े का भी काम हो जाएगा। तो इसलिए 3 और 5 का रूल आपको पता है तो आप 15 का निकाल लेंगे, मैंने 3 और 5 का बता ही दिया। चलिए 16 पे आते हैं। 16 में क्या बोला है उन्होंने कि लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो आपका 16 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो कि ये लिखा है 84444, तो आपको लास्ट की 4 डिजिट अगर वो 16 से डिविजिबल हैं तो, और आप देख सकते हैं कि 16 जो होता है वो 4, तो आप देख सकते हैं अगर वो 4 से, अगर वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है, पहले ये चेक कर लो, अगर वो 4 से है तो फिर आप इसके बाद अगर है हो रहा है तो फिर आप 16 का चेक कर लो, अगर वो 4 से ही डिविजिबल नहीं है तो इसमें 16 से भी नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब आते हैं हम 17 पे। 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है भैया कि सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट रेस्ट ऑफ द नंबर। जैसे मान लो कोई भी नंबर है 84791, ये मैं अपने मन से नंबर ले रहा हूँ गाइस, तो ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली नंबर चूज़ कर रहा हूँ ताकि उसमें तो बस मुझे आपको बस रूल अप्लाई करके बताना, बाकी आपको प्रैक्टिस करें। तो उन्होंने क्या बोला कि लास्ट के नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको आप माइनस करेंगे रिजल्ट को, तो ये रेस्ट ऑफ द नंबर में से, तो ये आ गया। अब चूंकि ये भी नंबर बड़ा है तो फिर से हम 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 8513 कैरी आया 1, कितना हो जाएगा 948। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम 3 यहाँ पे बचेगा, इसको ये 6 लिखना था, गलती हो गई। अब यहाँ पे फिर से हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस करना है मुझे, तो ये आपका 8 बचा, ये आपका यहाँ पे 4, ये 3 बचेगा और ये आपका 8, तो क्या हो रहा है आपका ये 8 3 8, क्या 8 3 8 आपका 70 से डिविजिबल, ये भी लंबा हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 5 से फिर कर लेते हैं, 8 5 40 हो रहा है ना, 40 3 और ये 12 123। अब आप देख लो क्या 17 के टेबल 123 आता है, जी नहीं आता है, तो नहीं आता है इसका तात्पर्य कि नंबर भी आपका 17 से डिविजिबल नहीं है। तो गाइस इस तरीके से आपको रूल अप्लाई करके प्रैक्टिस करना है, मैं रैंडमली नंबर चूज कर रहा हूँ इसलिए आप इसका ध्यान रखें, तो वो डिविजिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जो मैंने नंबर चूज करा। अब वही 18 का है कि 2 से और 9 से डिविजिबल है, तो वो 18 से भी डिविजिबल है, तो 9 और 2 का अपन ने देख ही लिया है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इसलिए कर नहीं बता, मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता आपका, इसलिए हम जो मेन चीज़ है उस पर काम कर रहे हैं। 19 से डिविजिबल के लिए क्या बोला है कि एड ट्वाइस द लास्ट डिजिट ऑफ रेस्ट नंबर। मतलब कि यही जैसे अगर 8221 कोई ना इसको पता करना है तो इसमें लास्ट में आपका करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और
रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 to 8। आप फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड कर देंगे। क्या अब ये 19 से डिविजिबल? 88 आता है 19 टेबल में, बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये 19 से डिविजिबल नहीं है नंबर। 20 का क्या बोला है कि अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है और एंड द 10th डिजिट ऑफ द इवन, या फिर वो लास्ट की दो, उसके वो लास्ट की जो नंबर है 10th, मतलब इकाई और दाई, मतलब 8, 4, 6, 4, ये नंबर है तो इसी बात है 20 से डिविजिबल हो, क्योंकि ये तो 10 से डिविजिबल है और जो 10th नंबर है वो इवन है। तो गाइस ये हमेशा ध्यान रखना है कि जीरो के बाद आपका यहाँ पर एक इवन नंबर होना चाहिए तो वो 20 से डिविजिबल जरूर होगा। घुमा फिर आके ये कह रहा है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए तो वो 20 से भी डिविजिबल होगा। अब आते हैं हम 21 का रूल, तो जो कि थंब रूल हो गया कि अगर आप 3 से और 7 से डिविजिबल हैं तो ऑब्वियसली बात है 21 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 और 7 के रूल आप याद रखिएगा। अब आते हैं 22, तो उन्होंने क्या बोला, इट इज़ ए डिविजिबल बाय 2 और 11। तो देखो अगर वो 2 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी हो तो ऑब्वियसली बात है वो 22 से भी डिविजिबल होगा। तो चूंकि मैं इन दोनों के रूल बता चुका हूँ तो हम आगे बढ़ते हैं। 23 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 23 एट 7 टाइम्स द लास्ट डिजिट टू दी रेस्ट। मतलब जैसे कोई भी नंबर है 8, 7 से, ये है इसको हमें पता करना है 23 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप लास्ट में क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड कर देंगे और जो भी नंबर आपका डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 42 हो रहा है तो क्या हो जाएगा 980। तो फिर से हम थोड़ा सा बड़ा कर है ये, तो फिर से हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, तो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 151। क्या 1517 तो 23 के टेबल में आता है। एक बार और ऐसा कर लेते हैं, 151 × 7 कर लेते हैं तो ये आपका 7 ही होगा। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो 15 और 7 कितना होता है आपका 22। तो अब इसी बात की 23 से डिविजिबल नहीं है, मतलब क्या है कि आखिरी के नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करो और जो बची हुई डिजिट है उसमें जोड़ दो, ऐड कर दो, तो अगर वो 23 से डिविजिबल है तो वो भी रेस्ट ऑफ द नंबर, मतलब पूरा नंबर आपका 23 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 24 थंब रूल। थंब रूल क्या कह रहा है कि 3 और 8 से, अगर कोई नंबर 3 और 8 से डिविजिबल है तो 24 से भी डिविजिबल होगा। तो गाइस 3 और 8 का रूल बकायदा ध्यान रखें। अपन आते हैं 25 में क्या है कि तो नंबर जो है ये लिखा है एग्जमाइन द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट टू डिजिट। अब ये चीज़ समझे कि 25 का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई भी नंबर को अगर मुझे 25 से डिविजिबल करना है तो लास्ट के जो दो नंबर है, लास्ट का जो दो नंबर है अगर वो जो फॉर्म हुए हैं अगर वो 25 आ रहा है उसमें, तो मोस्ट ऑफ जो नंबर होते हैं वो आपके 25 से डिविजिबल होते हैं। तो ये लास्ट की टू डिजिट जरूर देखें आप। डिविजिबल बाय 26 में भी थंब रूल है कि 2 और 13 का मल्टीप्लाई अगर 2 और 13, मतलब कि 2 से डिविजिबल भी है और 13 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 26 से भी डिविजिबल होगा। 27 यहाँ पर देखें, 27 का रूल, वैसे तो 27 में आप 9 और 3 का भी सोच सकते हैं लेकिन आपका एक अलग से भी है कि सबट्रैक्ट दी 8 टाइम्स द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। जैसे अगर मुझे 4 ये इसका ही पता करना है तो मुझे लास्ट की जो डिजिट है उसमें कितने का मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई करना है और बाकी में सबट्रैक कर देना, क्योंकि ये नंबर इसमें थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ देख लेते हैं तो कोई और नंबर उठा लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा हो, तो इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँगा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और सबट्रैक करना है तो -8 कर देंगे यहाँ, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6, ये 5 और 8 56। फिर से आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 48, तो ये 57 बचेगा और ये आपका 3। क्या 37 27 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए 27 से डिविजिबल नहीं होगा। अब गाइस 28 पे आते हैं। 28 का थंब रूल है कि अगर कोई भी नंबर 4 से और 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी आपका 28 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल का मतलब है कि लास्ट की जो दो डिजिट होती हैं वो 4 से डिविजिबल हों, और 7 का रूल मैंने आपको बताया हुआ है अलग से, तो आप उसको बकायदा याद कर लीजिएगा। 29 पे आते हैं, इसमें क्या बोला है, ऐड 3 टाइम्स द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट नंबर। मतलब अगर किसी भी नंबर का हमें पता करना है कि ये जो नंबर है आपका वो 29 से डिविजिबल है, लेकिन आखिरी में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर में जोड़ देंगे, तो वो भी नंबर आपका क्या होना चाहिए, ये आपका 8 to 10 8 और 480 हो रहा है क्योंकि 480 भी बड़ा नंबर है हमारे। वैसे तो आप देख सकते हैं 29 2 तो 29 के टेबल में 40 नहीं है, फिर भी हम एक बार और करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 0 ही हो रहा है, तो आप देख सकते हैं क्या 48 29 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपका ये 29 से डिविजिबल नहीं है। तो गाइज इसी के साथ लास्ट है आपका 30 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका है? 30 का। अब 30 का भी सिंपल है, 30 है अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है, 3 से और 10 से, मतलब कि जो भी नंबर दिया है उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होगा
तो वो नंबर आपका 3 से वो डिविजिबल, 10 से आखिरी में 0 होना चाहिए तो वो आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो नंबर आपका 30 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको डिविजिबिलिटी रूल भी याद हो गए होंगे, उनके रूल्स भी पता चल गए होंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो के अंत तक देख लें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।